हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं गेला प्रजाति में लगने वाला रोग। वैसे तो हमें सेब पेड़ पर लगे बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें कई सारी बीमारियां होती है और कई सारी स्प्रे करनी होती है, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे आज। ये देखिए, गेला प्रजाति में सबसे बड़ा रोग है सिल्वर रोग। यह सिल्वर की तरह इसकी टहनियाँ दिखने लग जाती है। तो इसके निराकरण के लिए हमें क्या करना है, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये गेला प्रजाति में सबसे ज़्यादा लगता है। इसका मुख्य कारण है हमारे पास जो कीपर होता है, उसमें जिसकी पत्तियाँ सिल्वर कलर की होती है, तो उससे ये रोग लगता है, ज़्यादा फैलता है, क्योंकि एक तरफ से ये फंगस है बैक्टीरिया, तो ये एक दूसरे से फैलता है। तो हम इसके लिए क्या करें, एक तो हम उस कीपर को अपने बाग बगीचे से दूर कर लें, और जिसमें हमारे इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य फ्रेंड सर्कल में जाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए थैंक यू, और लाइक कमेंट ये ज़रूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वो भी अपने पेड़ पौधों पर जो है नुकसान उससे बचा सके और इस रोग को कंट्रोल कर सके अपने पेड़ पौधों पर। ये टहनी को सुखाना इसने शुरू कर चुका है, तो हम इसके बचाव के लिए क्या करें, आज इसी पे ही हमारा वीडियो आधारित है। तो हमें सबसे पहले तो इसको कट कर लेना है, वर्तमान में अपने बाग बगीचे से दूर कर लेंगे। ये देखिए, जैसे कि हम इसको कट कर रहे हैं, अपने बाग बगीचे से दूर कर लेंगे इसको, और इसको नष्ट कर लेंगे ताकि ये दूसरे पेड़ में ना जाए। और हमें कौन सी दवाई का उपयोग कर सके सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस पे जो है सिस्टमेटिक फंगिसाइड दवा और क्लोरो थैलेनिक 75 WP, ये घुलनशील पाउडर है और फफूंदी नाशक है। अगर ये दवा आपको नहीं मिलती तो आप इसके लिए बोरोगोल्ड, जो फंगस और बैक्टीरिया नाशक है, ये भारत में सबसे ज़्यादा बिकती है दवा। तो हम इन दो दवाओं का यूज करेंगे, सिस्टमेटिक फंगिसाइड और क्लोरो थैलेनिक 75% WP का स्प्रे हम इसमें बाद में करेंगे, अगर ये हमारे पत्तियों में आ जाता है तो अभी वर्तमान में हमें इनको जो है जिस भी टहनी में आ रखा है उस टहनी तक इसको हम कट कर लेंगे और अपने बाग बगीचे से दूर कर लेंगे। गाला प्रजाति में ही ये सबसे ज़्यादा ये रोग लगता है, और इसका ध्यान दीजिए। अगर आपके पास गाला प्रजाति के जो है 20 सेब है, उसमें एक नज़र देख लीजिए। अगर आप उसमें आपको लगता है कि हमारी जो है टहनी का ऊपरी सिरा जो है सिल्वर कलर में हो रहा है या हो चुका है, तो उसको कट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फैल रहा है तो उसमें स्प्रे कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा हमें कि आपको अगर अन्य कोई जानकारी चाहिए या आपके सेब पर कोई अन्य नई बीमारी लगी है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है बीमारियाँ शुरू हो जाती है, तो हम उसका भी समाधान निराकरण जो भी होगा हम उसके बारे में आपको वीडियो जरूर भेजेंगे, बनाएंगे। अगर आपको पेड़ पौधों की कोई बीमारी के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको उसके बारे में बता सकें। और वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करना बिल्कुल हम